Hello students, I am Rekha Tanwar and today we are going to read about tenses. In the previous class we had sent a lecture about present tense and today we are going to read about past tense. Very important part of tense this is, as in this tense we have to write stories, reports, etc. and whatever happened in the past, we describe that in the past tense. So let us start. Past tense is also divided into four categories, that is past indefinite tense, past continuous tense, past perfect and past perfect continuous tense. First of all, we shall talk about past indefinite tense. इस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और यहाँ पर थर्ड जगह पे आपके ऑब्जेक्ट या और कोई भी चीज़ हो सकती है. अब वो प्रपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है, वो कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. एग्जाम्पल देखिए, आई प्लेड फुटबॉल इन द ग्राउंड, शी सैंग अ सॉन्ग इन द पार्टी. भाई बीते समय में कोई ऐसी घटना हुई होगी जब वो कह रहा है कि आई प्लेड फुटबॉल इन द ग्राउंड, आप खेल के आए स्कूल ग्राउंड से. और मम्मी पूछती हैं व्हाट डिड यू डू, तो यू से आई प्लेड फुटबॉल इन द ग्राउंड. या फिर कोई पार्टी की नरेशन हो कर रहे हो कहीं पर, तो बता रहे हो क्या बताओगे कि वी शी सैंग अ सॉन्ग इन द पार्टी. अब ये टेंस हम किस जगह पर यूज़ करते हैं, किन किन सिचुएशंस में, किन किन कंडीशंस में हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू इंडिकेट एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट एंड टू रिपोर्ट कंप्लीटेड एक्शन. कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ हो, पास्ट के किसी भी समय में हुआ हो, उसको इंडिकेट करने के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं और इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है. वी क्लोज द शॉप एट 8 PM. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वी क्लोज द शॉप. वो पर्सन बता रहा है कि वी क्लोज द शॉप एट 8 PM. तो यहाँ पर एट 8 PM से हमें पता लग रहा है कि कब काम ख़त्म हुआ, 8 PM पर हुआ. और हमने वर्ब कौन सी लगाई, सेकेंड फॉर्म लगाई वर्ब की, दैट इज क्लोज्ड. शी मेट मी लास्ट ईयर, वो मुझे लास्ट ईयर मिली. अब यहाँ भी टाइम इंडिकेट कर रखा है लास्ट ईयर और इसके साथ हमने वर्ब सेकेंड फॉर्म की लगाई, मीट की सेकेंड फॉर्म मेट लगाई है. आई विजिटेड आगरा 3 months ago. टाइम गिवन है, कब मैं गया था आगरा, 3 months ago. और विजिटेड हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है. तो कहीं पर भी ये बताने के लिए हम इस तरीके से इस टेंस का यूज़ करते हैं. लेट्स मूव ऑन. ये फर्स्ट कंडीशन थी कि पास्ट का कोई भी एक्शन बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. सेकेंड कंडीशन है टू इंडिकेट पास्ट हैबिट्स और रिपीटेड इवेंट्स दैट आर नाउ ओवर. पास्ट की कोई भी हैबिट हो या कोई रिपीटेड एक्शन हो, उसको शो करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, इस टेंस का यूज़ करते हैं. देखिए, प्रेजेंट की जो हैबिट थी उसको शो करने के लिए हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया था. और सिंपल प्रेजेंट में हमने क्या लगाया था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. लेकिन पास्ट की अगर हम हैबिट बता रहे हैं या रिपीटेड एक्शन बता रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, इन माई चाइल्डहुड माई ग्रैंड मदर गेव मी अ चॉकलेट एवरी डे.
यहाँ पर भी कब की बात हो रही है, एक फ्रेज है जो हमें बता रहा है कि इन माय चाइल्डहुड, बीते समय की बात हो रही है, और माय ग्रैंड मदर गेव मी ए चॉकलेट एवरी डे। तो ग्रैंड मदर के साथ हमने कौन सी फॉर्म लगाई वर्ब की, सेकेंड फॉर्म, गिव की सेकेंड फॉर्म लगाई हमने, गेव चॉकलेट एवरी डे। अब ये एवरी डे जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि वो काम कब होता था, चाइल्डहुड में होता था और हर रोज़ होता था। हर रोज़ से हमें पता लगता है कि वो रिपीटेड एक्शन था, हैबिचुअल एक्शन था कि मदर रोज़, ग्रैंड मदर रोज़ ही उसे चॉकलेट देती थी। तो यहाँ पर हमने हैबिट को शो करने के लिए इस टेंस का यूज़ किया है। नेक्स्ट में देखिए, मिस्टर पोपटलाल आवेज कैरेट एंड अम्ब्रेला विद हिम। यहाँ भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया है हमने, कैरेड। तो मिस्टर पोपटलाल की ऑलवेज जो वर्ब है, ऑलवेज जो एडवर्ब हमने लगाई है, इट इंडिकेट्स कि ये काम कब होता था, वो हमेशा करते थे ये काम, वो उनका हैबिचुअल एक्शन था और वो हमेशा ही अपना अम्ब्रेला साथ में लेकर चलते थे। लेट्स मूव फर्दर। थर्ड कंडीशन जहाँ पर हम इस टेंस का यूज़ करते हैं, दैट इज द हैबिचुअल पास्ट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस बाय यूजिंग यूज्ड टू। अभी हमने जो ये हैबिचुअल एक्शन हमने शो किया, वो शो किया था यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस, लेकिन ये सिंपल पास्ट के अलावा भी एक तरीका है जिसको इस्तेमाल करके हम पास्ट का हैबिचुअल एक्शन शो कर सकते हैं। अब वो मेथड इज़ यू बाय यूजिंग यूज्ड टू। ये यूज्ड टू जो वर्ब है, इसका यूज़ हम किसी मेन वर्ब के साथ करके अगर करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी आदत थी ये काम करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी यूज्ड टू ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर जब हमने कहा शी यूज्ड टू, तो देखिए यूज्ड टू से हमें इंडिकेट हो रहा है कि ये उनकी आदत थी, और यूज्ड टू हमने अकेला इस्तेमाल नहीं किया, उसके साथ हमने ड्रिंक का भी यूज़ किया है। तो ये ड्रिंक जो है ये हमारी मेन वर्ब है, और यूज्ड टू ये बता रही है कि ये हैबिचुअल एक्शन है। तो शी यूज्ड टू ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, कब यूज़ करते थे, मॉर्निंग में। तो ये उनकी आदत थी कि वो मॉर्निंग में चाय लेती थी। माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे। अब यहाँ पर भी ग्रैंडफादर के साथ यूज्ड टू लगाकर उनका हैबिचुअल एक्शन शो किया है, और उसके साथ मेन वर्ब हमने क्या यूज़ की है, दैट इज गो, और फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे। एवरी डे से हमें पता लगा कि ये उनका हैबिचुअल एक्शन था। तो शी यूज्ड टू, अच्छा एक और चीज़ नोट कीजिए, पहले जब हमने बात की सिंपल पास्ट की, तो में से हैबिचुअल एक्शन शो करने के लिए तो हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है, लेकिन जब हम यूज्ड टू लगाएंगे तो उसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगी, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि अगर हैबिचुअल एक्शन आप शो कर रहे हैं तो उसे या तो आप सिंपल पास्ट से शो कीजिए, यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाइए, या फिर यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाकर आप हैबिचुअल एक्शन को शो कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन। समटाइम्स दिस टेंस इज यूज्ड विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम। अब अभी तक हमने जितने सेंटेंसेस यूज़ किए उनमें क्या था, एवरी डे, लास्ट ईयर, इस तरीके से कोई ना कोई एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखी थी, लेकिन कई बार ये बिना एडवर्ब ऑफ टाइम के भी यूज़ होती हैं, लेकिन इन सच केसेस द टाइम मे बी इम्प्लाइड और इंडिकेटेड बाय द कॉन्टेक्स्ट। लेकिन ऐसी सिचुएशन में टाइम जो है वो या तो किसी हिंट से पता लग जाता है, कोई इम्प्लाइड, कोई कोई ना कोई
छिपन मीनिंग होता है जिसे पता लग जाता है कि ये पास्ट का टाइम है, या फिर कॉन्टेक्स्ट जो चल रहा है, बातचीत जो चल रही है उससे पता चल जाता है कि ये इस पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में देखिए, आई लर्न पंजाबी इन चंडीगढ़। अब ये जो पर्सन है ये क्या कह रहा है, आई लर्न पंजाबी, लर्न इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और कहाँ पर उसने सीखी, इन चंडीगढ़। अब कहने का मतलब क्या है कि उसने पंजाबी कब सीखी, व्हेन ही यूज्ड टू स्टे इन चंडीगढ़, जब वो चंडीगढ़ में रहता था उस समय सीखी। तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट से हमें पता लग गया कि ये पास्ट एक्शन है। आई लर्नड टू राइट इन माई चाइल्डहुड। अब और क्या कह रहे हैं, आई लर्नड अगेन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब टू राइट इन माई चाइल्डहुड। कब यू सीखा हमने, इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में सीखा, सभी बचपन में सीखते हैं, तो आई लर्नड टू राइट इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में मैंने ये सीखा। लेट्स मूव फर्दर टू इंडिकेट अनदर एक्शन विच हैपेंड इन द मिडिल ऑफ ए लॉन्गर एक्शन। ऐसा एक्शन इंडिकेट करने के लिए जो किसी दूसरे लंबे एक्शन के बीच में हुआ। अब आप इस सिचुएशन को ऐसे समझिए कि कोई काम है जो हो रहा है और उसके बीच में कोई दूसरा काम हो, तो हम उसके लिए इस टेंस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, द लाइट वेंट आउट व्हेन आई वॉज वॉचिंग माई फेवरेट टीवी सीरियल। अब इस सेंटेंस में देखिए हमारे पास कितनी वर्ब्स हैं, देयर आर टू वर्ब्स, दो वर्ब्स हैं हमारे पास, वेंट आउट और वॉज वॉचिंग। तो जब हमने कहा लाइट, अब यहाँ पर आप देखिए कि वो जो टीवी सीरियल देखने का काम है वो समय पहले से चल रहा था, और उसके बीच में एक छोटा सा काम हुआ, क्या हुआ, लाइट चली गई। कॉन्टीन्यूअस जो था उसके साथ हमने, जो हमारा पहले से चल रहा था काम, उसके साथ हमने पास्ट कॉन्टीन्यूअस लगाया, और जो उसके बीच में काम हुआ उसके हमने सिंपल पास्ट लगाया। नेक्स्ट सेंटेंस में भी देखिए, आई वॉज स्लीपिंग एंड माई फादर केम इन। आई वॉज स्लीपिंग when my father came in। अब यहाँ भी तो आपके पास दो verbs हैं, was sleeping, मैं सो रहा था, कब, when my father came in, जब मेरे father अंदर आए। तो आप ये situation देखिए कि क्या है, बच्चा सो रहा था, तो ये काम क्या था, सोया होगा, तो एक लंबा सा काम है, पहले सोया है फिर वो सोया हुआ, ऐसा तो नहीं है एकदम से सो के उड़ जाता है, वो सोता रहता है थोड़ी देर, तो वो सोया हुआ था, और लेकिन आने का काम अचानक से हो सकता है, तो उसके वो सोया हुआ था लॉन्गर एक्शन था, वहाँ पर हमने वॉज स्लीपिंग लगाया, और फादर के आने का काम अचानक से हुआ, बीच में हुआ, तो उसके साथ हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब केम लगाई। सो लाइक दिस, जब आपके पास दो एक्शंस हैं पास्ट के और दोनों में से कोई एक एक्शन जो है वो आपको लगता है कि ये पहले से चल रहा था, ये लंबा एक्शन है, तो उसके साथ पास्ट कॉन्टीन्यूअस लगाएंगे, और जो उसके बीच में हुआ छोटा काम हुआ उसके लिए आप सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। लेट्स मूव फर्दर। अब ये बात तो हमने की पास्ट टेंस की, लेकिन पास्ट टेंस को हम अगर, पास्ट और प्रेजेंट टेंस को अगर हम डू डज डिड ये तीन वर्ड्स को डिस्कस किए बिना कर दें, ख़त्म कर दें, तो इट विल बी एन इनजस्टिस। इनके बिना तो इनका डिस्कशन कंप्लीट हो ही नहीं सकता, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का हो या फिर सिंपल पास्ट टेंस का हो। ये हमारी हेल्पिंग एड हैं जो हमें बहुत मदद करती हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में। डू डज और डिड, ये तीनों वर्ड्स डू वर्ब की
डिफरेंट फॉर्म्स हैं. डू और डज सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होती हैं, जबकि डिड सिंपल पास्ट में यूज़ होती है. अब पहले हम सिंपल प्रेजेंट की ही बात कर लेते हैं. सिंपल प्रेजेंट में कहाँ पर हम उसका यूज़ करते हैं उसके रूल्स मैं आपको पहले ही सेंड कर चुकी हूँ, और अब हम ज़रा एक बार उनके फॉर्मेट की बात कर लेते हैं. हियर आई हैव टेकन थ्री टू सेंटेंसेस एंड आई हैव चेंज देम इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस. आप ये देखिए, राम लाइक्स मिल्क, ये यहाँ पर लाइक्स जो है, राम हमारा सब्जेक्ट है और लाइक्स हमारी वर्ब थी, तो मिल्क उसके साथ आ गया ऑब्जेक्ट. सिंपल प्रेजेंट में राम यानी कोई भी सब्जेक्ट, कौन सा, सिंगुलर थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ हम डू डस या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करते हैं. यहाँ पर इस सेंटेंस में राम एक नाम है, तो ये थर्ड जो हमने थर्ड पर्सन के सिंगुलर नाउन की बात की उसमें कौन कौन आते हैं, ही शी इट, कोई सिंगुलर नाउन या फिर किसी का नाम. तो यहाँ पर नाम है राम, उसके साथ हमने लगाया लाइक्स, और जब इस लाइक्स को हम चेंज करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो ये जो लाइक्स है ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, एक डस और दूसरा लाइक. और ये स्प्लिट हुआ तो क्या बना, डस हमारा सेंटेंस में आगे निकल आया और लाइक उसके बाद चला गया. अब आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर याद हो तो उसमें क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब ऑफ मेन वर्ब. तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये लाइक्स जो है वो दो फॉर्म्स में, दो चीज़ों में स्प्लिट हुआ, डज और लाइक. डज हमने पहले लगाया हेल्पिंग वर्ब के लिए, और फिर हमने सब्जेक्ट लगाया राम, और फिर हमने मेन वर्ब लगाई लाइक. तो डज राम लाइक मिल्क बन गया. ये डज यहाँ पर लाइक्स में से ही स्प्लिट हुआ है. आप इसे किसी भी तरह से लगा लीजिए, या तो ये समझ लीजिए कि डज और लाइक मिलकर जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं और एफर्मेटिव सेंटेंस में लगाते हैं तो वो बन जाता है लाइक्स. और अगर इनको हम फिर स्प्लिट करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है या नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तब वो अलग अलग हो जाते हैं. तो यहाँ पर डज राम लाइक मिल्क हो गया. और नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, राम डज नॉट लाइक मिल्क. अब एक चीज़ और बताएं यहाँ पे आपको, कि कोई भी सेंटेंस जब हमें नेगेटिव बनाना हो तो हमें एक चीज़ बात ध्यान रखने रख रही है, और वो ध्यान में क्या रखना है कि हेल्पिंग वर्ब जो भी उस सेंटेंस की है हम उसे ढूंढेंगे, और उस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं और फिर हमारी मेन वर्ब आ जाती है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए. जैसे इस सेंटेंस में हमने क्या किया, राम डज नॉट लाइक मिल्क. तो ये जो डज है वो लाइक्स में से निकला था, और फिर हमने बीच में नॉट लगाया नेगेटिव बनाने के लिए, और फिर लाइक लगा दिया. आई लव मैंगोज. अब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ तो हम डज का यूज़ करेंगे और लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही यस लगेगा, लेकिन इसके साथ आई वी यू दे, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, इनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, और जब उन्हें हमें नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना हो तब क्या होता है. अब जैसे यहाँ पर हमने कहा आई लव मैंगोस, तो ये लव अगेन स्प्लिट हुआ इंटरोगेटिव बनाने के लिए, हमने इसे स्प्लिट किया, दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया. और वो पार्ट्स कौन हुए, डू आगे आ गया, वहाँ पर हमने डस बाहर निकाला था क्योंकि ई एस लगा हुआ था, यहाँ पर सिर्फ डू बाहर आएगा, या ई एस नहीं है, एस या ई एस नहीं है, यहाँ पर सीधा डू आएगा. और इधर दूसरी साइड पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी,
ये जब डू या डज हमारा सेंटेंस में लग गया तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी उसमें हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसमें सेकेंड फॉर्म या कोई और फॉर्म नहीं लगेगी, उसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। और नेक्स्ट सेंटेंस में बन गया हमारा आई डू नॉट लव मैंगोज। अब यहाँ भी डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है और लव हमारा मेन वर्ब है, इन दोनों के बीच में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमने नॉट लगाया और हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन गया। ठीक है, तो इन दिस वे वी मेक इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बाय यूजिंग डू एंड डज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेट्स मूव फर्दर। जो बात मैंने आपको बताई है वही रिटर्न फॉर्म में देखिए, इफ द सब्जेक्ट इज आई वी यू दे और एनी प्लूरल नाउन, इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं सेंटेंस में। और अगर इस तरह के सेंटेंस को, अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन है, उसको हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे, डू और उसके साथ नॉट और फिर मेन वर्ब में उसे स्प्लिट कर देंगे। ऐसे ही अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है और हमारी सब्जेक्ट इनमें से कोई एक है तो हम क्या करेंगे, डू के साथ सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये काम हमें करना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स देखिए, दे प्ले क्रिकेट, इस सेंटेंस को हमने नेगेटिव बनाया तो क्या बन गया, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। प्ले वर्ब को हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया, डू और प्ले में, और बीच में हमने नॉट लगा दिया जिससे सेंटेंस नेगेटिव हो गया। डू दे प्ले क्रिकेट, अब अगेन क्या किया हमने, प्ले को दो पार्ट्स में स्प्लिट किया, डू पहले आ गया फिर सब्जेक्ट आया और उसके बाद प्ले आया, डू दे प्ले क्रिकेट बन गया। इफ द सब्जेक्ट, अब लेट्स मूव फर्दर। इफ द सब्जेक्ट इज ही शी इट और सिंगुलर नाउन और नेम, अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट कोई सिंगुलर नाउन या फिर नेम है किसी का, इनमें से कोई हमारा सब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या के साथ एस या ई एस लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब यहाँ पर इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारे वही हैं ही शी इट सिंगुलर नाउन और एनी नेम, तो हम यूज़ करेंगे डू डज और उनके साथ नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और अगर इसी सेंटेंस को हमें इंटरोगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट्स हमारे वही हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, सब्जेक्ट्स वही हैं ही शी इट सिंगुलर नाउन और नेम इनमें से कोई एक, और उसको हम जब हम चेंज करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो बना देंगे डू डज उसके साथ सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये काम हमें करना पड़ेगा अगर हमें सेंटेंस को चेंज करना है तब।
ओके लेट्स मूव फर्दर. एग्जाम्पल्स देखिए हमने बनाया, नेहा कुक्स फूड इन द इवनिंग. अब यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल क्या है, नेहा कुक्स फूड इन द इवनिंग. तो ये नेहा के साथ हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, कुक्स बन गया. ठीक है, कुक्स फूड इन द इवनिंग. और जब हमने इसको इंटरोगेटिव बनाया तो क्या बन गया, डज नेहा कुक फूड इन द इवनिंग. और जब नेगेटिव बनाया तो क्या बन गया, डज नॉट कुक फूड इन द इवनिंग. देन वी सेड हु कुक्स फूड इन द इवनिंग. अगर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जब हमने डिस्कस किए थे तो हमें पता था कि कोई भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो या तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या फिर किसी क्वेश्चन वर्ब से शुरू होगा. तो क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस अगर है तो उसमें क्या आएगा, हु कुक्स फूड इन द इवनिंग, कौन खाना पकाता है. डजंट नेहा कुक फूड इन द इवनिंग, क्या नेहा खाना नहीं पकाती है. तो इस तरीके से हमने डज का यूज़ करके या फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे आई एस का यूज़ करके इस सेंटेंस को हमने इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज किया. लेट्स मूव टू द सिंपल पास्ट टेंस. अभी हमने सिंपल प्रेजेंट के डूडल्स की यूज़ की बारे में डिस्कस किया, अब हम ज़रा सिंपल पास्ट का डिड का यूज़ कर डिस्कस कर लेते हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. सिंपल पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं. टू मेक नेगेटिव सेंटेंस हम क्या करते हैं, डिड के साथ नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है. रिमेंबर इट कि पास्ट में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी अगर हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं. कोई सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी. कब लगेगी फर्स्ट फॉर्म, इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस की जब हम बात करेंगे तो उनमें हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है. लेकिन अगर हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो हम लगाएंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. इज दैट क्लियर. ध्यान रखिएगा इस बात को कि एफर्मेटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड लग जाएगा. यहाँ पर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. आई अटेंडेड हिज पार्टी. अब यहाँ पर आप देखिए, आई अटेंडेड हिज पार्टी, अटेंड किया. ठीक है, तो ये अटेंड जब हमने किया, थोड़ा सा समझ जाओ इसे, आई अटेंडेड हिज पार्टी. तो जब हमने अटेंड की पार्टी को तो यहाँ पर क्या आ गया, पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. लेकिन जब हमने इसे नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो हमने ये डिड और अटेंड, ये दो पार्ट्स में हमारी अटेंडेड वर्ब जो थी ये स्प्लिट हो गई. अटेंडेड वर्ब दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गई, डिड और अटेंड. तो यहाँ पर बन गया हमारा, आई डिड नॉट अटेंड हिज पार्टी. ऐसे ही इंटरोगेटिव बनाया तो क्या हुआ, डिड आई अटेंड हिज पार्टी. और इसको अगर हमने इंटरोगेटिव बनाया तो क्या, इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड के साथ बनाया तो क्या बना दिया, व्हेन डिड आई अटेंड हिज पार्टी. अब यहाँ पर व्हेन, देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले, क्वेश्चन वर्ड आ गया सबसे पहले और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई और फिर हमारे पास सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब लगा करके हमने सेंटेंस को क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में चेंज कर दिया. तो वी हैव टू डू लाइक दिस. लेट्स मूव फर्दर. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट, उसके साथ वॉज वर्ब लगता है और प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है. ये एफर्मेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना है तब की बात कर रहे हैं हम.
तो यहाँ पर शी वॉज ड्राइविंग हर कार। वॉज कब लगेगा और वर कब लगेगा ये बात भी ध्यान रखिए। वॉज हम तब लगाते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट होता है आई, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नाउन और एनीबडीज नेम। जब ये चीज़ें हों तो हम उनके साथ लगाएंगे वॉज। और अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो, यानी कि वी, यू, दे और कोई प्लूरल नाउन हो, तो हम वर का इस्तेमाल करेंगे। सो हियर सब्जेक्ट के साथ हमने वॉज वर लगाया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी हो गया। शी वॉज ड्राइविंग हर कार, शी के साथ हमने क्या लगाया वॉज, और वॉज के साथ ड्राइविंग हर कार। दे वर ईटिंग मैंगोज, अब दे हमारा सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमने वर लगाया और वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। एट सम प्लेसेस यू विल फाइंड इट एज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ यू हैव टू मेक नेगेटिव सेंटेंस इन पास्ट कॉन्टिन्यूस देन द सेंटेंस स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर एनी वन एज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन नॉट लगाएंगे और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, एंड आफ्टर दैट एनीथिंग कैन कम, एनी ऑब्जेक्ट और प्रपोजिशनल फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज एनीथिंग। एग्जाम्पल शी वॉज नॉट ड्राइविंग हर कार, अब यहाँ पर हमने नेगेटिव बनाया इसका तो बना वॉज, वॉज हेल्पिंग वर्ब थी हमारी, शी की वजह से हमने वॉज लगाया है। यहाँ पर अगर आई होता तो भी वॉज होता, लेकिन अगर यहाँ पर यू होता तो वर हो जाता, तो यहाँ पर वॉज आ गया। नेगेटिव बनाने के लिए हमने नॉट लगाया, फिर हमने ड्राइविंग लगाया, आगे हमारी हर कार ऑब्जेक्ट हो गई। They were not eating mangoes. They subject है, उसके साथ were not, were they के साथ आता है were, you के साथ we के साथ भी were आता है, तो यहाँ पर were लगाएंगे। Negative बनाने के लिए not लगाया और eating आ गया हमारी verb की form और mangoes हमारा object हो गया। So in this way we can make negative and interrogative negative sentences out of past continuous. Okay, let's move further. Interrogative subject sentence अगर हमें बनाना है past continuous में तो हम क्या करेंगे, was, were, वॉज वर्ब के साथ सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी। वॉज वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वो पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के और आईएनजी के साथ। एग्जांपल देखिए, वॉज शी नॉट ड्राइविंग हर कार, वॉज हमारा क्वेश्चन वर्ड है जो हमने शुरू में लगा दिया, शी सब्जेक्ट, नॉट निगेशन शो करने के लिए और ड्राइविंग मेन वर्ब आ गई। नेक्स्ट में देखिए, वर दे नॉट ईटिंग मैंगोज, वर हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया, सॉरी हेल्पिंग वर्ब हो गई, दे सब्जेक्ट है और फिर नॉट निगेशन शो करने के लिए और ईटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट लग गया। नेक्स्ट में देखिए, व्हेन क्वेश्चन वर्ड, वाज हेल्पिंग वर्ब, शी सब्जेक्ट,
verbs fourth form and then object. अब always keep one thing in mind कि जब भी आपके पास question word के साथ question sentence बना हुआ आ रहा है तब भी आप ये ध्यान रखेंगे कि पहले आपको question word लगाना है, फिर helping verb आएगी, उसके बाद subject आएगा, फिर main verb आएगी. ये चीज़ आपको हमेशा mind में रखनी है. Let's move further. This tense is used in the following situations. ये तो हमें पता लगा कि इसकी sentence structure क्या है. अब हम बात करते हैं कि इसको हम कहाँ कहाँ use करते हैं. First of all, to indicate an action that was happening at some time in the past. The time of action may or may not be given. कोई भी ऐसा action past में किसी समय पर जो हो रहा था उसे indicate करने के लिए हम इस tense का use करेंगे. और उसमें आपको टाइम ऑफ एक्शन दिया हुआ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें हैं. इस सेंटेंस में देखिए, वी वर वॉचिंग टीवी द होल इवनिंग. यहाँ हमें होल इवनिंग टाइम बता रखा है. कब देख रहे थे मूवी, कब देख रहे थे टीवी, होल इवनिंग. तो ये काम कब हो रहा था, पास्ट में हो रहा था. यहाँ पर हमें पता लग गया कि ये काम पास्ट में हो रहा था. लेट्स मूव फर्दर. यूज्ड विद ऑलवेज कॉन्टिन्यूअली एटसेट्रा फॉर परसिस्टेंट हैबिट्स इन द पास्ट. कई बार हमने अभी जब सिंपल प्रेजेंट किया था तब भी हमने कहा था कि हम हैबिचुअल एक्शन को किससे शो करते हैं, सिंपल प्रेजेंट से. और परसिस्टेंट हैबिचुअल एक्शन को हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से. अब यहाँ पर भी सेम ही सिचुएशन है. जब हैबिचुअल एक्शन पास्ट का था तो हमने यूज़ किया सिंपल पास्ट, लेकिन पास्ट का अगर हैबिचुअल एक्शन ऐसा है क्योंकि परसिस्टेंट हैबिट है, यानी उसके लिए मना किया जा रहा है, फिर भी इंसान उस काम को किए जा रहा है, तो इस तरह की हैबिट के लिए हम परसिस्टेंट एक्शन बोलते हैं उसको, और उसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे. यहाँ पर रोहन वॉज ऑलवेज बाइटिंग हिज नेल्स. रोहन वॉज ऑलवेज बाइटिंग हिज नेल्स. कुछ बच्चों की आदत होती है ना नेल्स खाने की, तो वही बात कर रहे हैं. तो रोहन की भी क्या थी आदत, कि वो हमेशा ऑलवेज हमेशा क्या करता था, बाइटिंग हिज नेल्स. पहले करता था, अब नहीं करता, क्योंकि हमने बात क्या की है, परसिस्टेंट हैबिट इन द पास्ट. अभी की हैबिट की बात नहीं कर रहे हैं, पास्ट की हैबिट की बात कर रहे हैं. तो रोहन वॉज ऑलवेज बाइटिंग हिज नेल्स, मतलब रोहन हमेशा बचपन में अपने नेल्स खाता रहता था. अब शायद उसने छोड़ दिया है. करुणा वॉज ऑलवेज सल्किंग. करुणा वॉज ऑलवेज सल्किंग. सल्किंग क्या होता है, टू शो एंगर एंड टू शो एज इफ यू आर नॉट, यू डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू एनी वन. तो जब आप नाराज़ होते हैं ना, मम्मी पापा कुछ डांट लगा दे तो फिर नाराज़ होते हैं, तो आप किस तरीके से होते हैं, चुप हो जाते हैं, है ना, दैट वे इज कॉल्ड सल्किंग. तो करुणा वॉज की कोई बच्ची बड़े जने उसकी बात बता रहे हैं कि वो ऑलवेज सल्किंग, हमेशा वो सल्क करती रहती थी, हमेशा वो नाराज़ी घूमती रहती थी. ठीक है, करोना वॉज ऑलवेज सल्किंग. वैसे ये बैड हैबिट होती है, आपको नहीं करना चाहिए. यू शुड डिस्कस योर मैटर्स विद योर पेरेंट्स. लेट्स मूव फर्दर. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस टू पैरेलल एक्शंस विच कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट. अब पास्ट में एक ही काम एक समय पे होता रहा हो ये तो बात ज़रूरी नहीं है. तो पास्ट के समय में कोई दो एक्शंस अगर साथ साथ हो रहे थे तो दोनों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वी कैन यूज़ दैट. एग्जाम्पल देखिए, व्हेन आई वाज रीडिंग इन माय रूम, वाज रीडिंग इन माय रूम, माय मदर वाज कुकिंग फूड इन द किचन.
अब यहाँ पर इस सेंटेंस में आपको दो एक्शंस होते हुए दिख रहे हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा था और मदर वॉज कुकिंग। अब ये दोनों काम शायद जिस समय हो रहे थे तो साथ ही साथ हो रहे थे। वो बच्चा अपने रूम में बैठ के पढ़ रहा है और मदर किचन में खड़े होकर खाना पका रही हैं, तो दो बोथ द एक्शंस वर इन प्रोग्रेस एट द सेम टाइम। तो दोनों ही पार्ट्स के लिए हमने पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ किया। नेक्स्ट में देखिए, व्हाइल मुकेश वॉज फिलिंग इन द होल्स, मुकेश कोई पर्सन है, ही वॉज फिलिंग इन द होल्स, कोई खड्डा था उसको वो भर रहा था, फिलिंग इन द होल, हिज डॉग वॉज डिगिंग अनदर। अब मुकेश तो उस खड्डे को भर रहा है और उसे पता नहीं लगा और पीछे से उसका डॉग जो है एक और खड्डा बनाने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, फिलिंग वाला काम मुकेश कर रहा है और डिगिंग वाला काम डॉग कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हम दोनों में पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव फर्दर टू एक्सप्रेस द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एन एक्शन। कोई एक्शन धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, बढ़ रहा था किसी टाइम पे, तो उसको शो करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज गेटिंग डार्क। अब एकदम से तो अंधेरा होता नहीं, तो वो अंधेरे की बात बता रहे हैं कि उस समय अंधेरा हो रहा था, गेटिंग डार्क, ग्रेजुअल डेवलपमेंट था। द पेशेंट वॉज गेटिंग रेस्टलेस, जो पेशेंट था वो रेस्टलेस हो रहा था, बेचैन हो रहा था। तो हियर ऑल्सो इट वॉज ए ग्रेजुअल डेवलपमेंट, धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हो रहा था उसकी सिचुएशन में। नाउ लेट्स मूव टू द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट उसके साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट की एक बड़ी ही हेल्पफुल सी चीज़ है। अब वो क्या है कि उनके लिए हमें सब्जेक्ट नहीं देखना पड़ता कि वो फर्स्ट पर्सन का है कि सेकंड पर्सन का है कि थर्ड पर्सन का है। कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर सिंपल पास्ट है तो उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, और अगर पास्ट परफेक्ट है तो उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे फर्स्ट पर्सन का हो, चाहे सेकंड पर्सन का, चाहे थर्ड पर्सन का, या फिर वो सिंगुलर नंबर में हो या फिर प्लूरल नंबर में, वी नीड नॉट वरी। हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमें हैड लगाना है और थर्ड फॉर्म लगानी है अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है, और सेकंड फॉर्म वर्ब की लगानी है अगर वो सिंपल पास्ट टेंस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, दे हैड अटेंडेड द फंक्शन। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हैड अटेंडेड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, अटेंडेड, थर्ड फॉर्म क्या होती है, अटेंडेड होती है, वो आ गई। शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया था, उसने मीटिंग अटेंड कर ली थी, उसने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया था। इन दोनों सिचुएशंस में हमने हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई, जबकि यहाँ पर हमारा थर्ड पर्सन के साथ प्लूरल नंबर है, जिसके साथ हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस में प्लूरल वाली वर्ब लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें कोई चिंता नहीं है, हम हैड ही लगाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, शी है फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो भी हमने हैड ही लगाया है, कोई हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और हैड के साथ हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई। लेट्स मूव फर्दर। अब इस टेंस में अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट उसके साथ हैड, और नेगेटिव बनाने के लिए नॉट, और फिर थर्ड फॉर्म। यहाँ पर थर्ड फॉर्म ही लगेगी वर्ब की, उसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे। हैज हैव हैड जहाँ भी लगा हुआ है उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। दे हैड नॉट अटेंडेड द फंक्शन, हैड नॉट अटेंडेड,
हैड, हैड के साथ नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाया और अटेंडेड लगा दिया. शी हैड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क, हैड नॉट फिनिश्ड. तो इस तरह से हमने सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया. अब मेरे ख्याल से आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना आ गया होगा. अब आपको किसी भी टेंस में नेगेटिव बनाने में डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप कोशिश कर चुके हैं, इनमें देख चुके हैं कैसे नेगेटिव बनाना है. इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब हमें बनाना है इस टेंस में, तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम ये करते हैं कि हैड हम पहले उठा लाते हैं, सब्जेक्ट उसके बाद हो जाता है और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म थी वो वहाँ पर बनी रहती है जहाँ पर थी सब्जेक्ट के बाद. अब यहाँ पर हमने सेंटेंस क्या बना दिया, हैड दे अटेंडेड द फंक्शन. हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, दे हमारा सब्जेक्ट है और अटेंडेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और उसे हमने इस तरह से सेंटेंस इंटरोगेटिव बन गया. हैड शी फिनिश्ड हर होमवर्क, यहाँ भी देखिए हैड हेल्पिंग वर्ब, शी सब्जेक्ट और फिनिश्ड मेन वर्ब. अब अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ सेंटेंस बनाना हो इंटरोगेटिव, तो क्या कुछ फ़र्क होता है? नहीं, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं होता, सीक्वेंस वही रहेगी, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाएगा. वाई क्वेश्चन वर्ड ऐड हुआ, उसके बाद हैड आ गया, शी हमारा सब्जेक्ट आ गया और नॉट नेगेशन के लिए आया और फिनिश्ड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई. और इस तरह से हमने सेंटेंस को इंटरोगेटिव भी बनाया, नेगेटिव भी बनाया. वाई हैड शी नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क बन गया. ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन मेक सो मैनी सेंटेंसेज एंड वी शुड स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेज एज वी आर लर्निंग टेंसेज, सो वी शुड स्टार्ट राइटिंग एंड स्पीकिंग सेंटेंसेज. अब इस टेंस को हम यूज़ कहाँ करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, किन सिचुएशंस में हम यूज़ करते हैं वो देखिए. टू इंडिकेट एन एक्शन दैट वॉज कम्प्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम और बिफोर अनदर एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट. ऐसे एक्शन को इंडिकेट करने के लिए जो किसी निश्चित समय पर ख़त्म हो चुका था या फिर किसी दूसरे काम के होने से पहले ख़त्म हो चुका था, उसके लिए हम यूज़ करते हैं. बिफोर ए सर्टेन टाइम, किसी निश्चित समय से पहले, या फिर बिफोर अनदर एक्शन, किसी दूसरे एक्शन से पहले अगर पूरा हो चुका था तो हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. लेट अस सी द एग्जांपल्स. ये बाय मिस्टेक द लिखा गया है, दे होगा यहां पर. दे हैड फिनिश्ड द, ये टी एच वी ई वाई के साथ हमने वाई भी लगाना है. They had finished the chapter by 11:30 AM. तो they had finished the chapter, उन्होंने चैप्टर को ख़त्म कर लिया था. कब ख़त्म कर लिया था? By 11:30 AM. यहाँ पर हमें टाइम दिया गया है, उस पर्टिकुलर टाइम से पहले ये एक्शन कंप्लीट हो चुका था, तो हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया. ऐसे आई हैड स्विच्ड ऑफ द टेलीविजन बिफोर आई वेंट टू स्लीप. देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि एक दूसरा एक्शन हुआ, किस चीज़ का, कि आई वेंट टू स्लीप, मैं सोने चला गया या छोसे चली गई. एंड आई हैड स्विच्ड ऑफ द टेलीविजन, और मैंने क्या किया, आई हैड स्विच्ड ऑफ द टेलीविजन. दो काम हुए, एक स्विच ऑफ टेलीविज़न को स्विच ऑफ करने का और दूसरा मेरे सोने जाने का. अब कौन सा काम पहले हुआ, पहले हुआ कौन सा काम, मेरे टेलीविज़न को ऑफ करने का काम हुआ, और बाद में कौन सा काम हुआ, मेरे सोने के लिए जाने का काम हुआ. तो इस सेंटेंस में हमने क्या किया, तो जो पहले वाला पार्ट था, जो काम पहले हुआ, उसके साथ हमने लगाया हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में हुआ उसमें लगाया हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब.
तो लाइक दिस, अगर हमें पास्ट का टाइम इंडिकेटेड है कि उस समय से पहले काम हो चुका था तब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, और अगर हमें कोई सिचुएशन बता रखी है कि दो एक्शन हैं, दो में से एक पहले हुआ एक बाद में हुआ, तो जो पहले हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट और जो बाद में हुआ उसमें सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। लेट्स मूव फर्दर। इट इंडिकेट्स डिज़ायर्स इन द पास्ट दैट हैव नॉट बीन फुलफिल्ड। पास्ट की ऐसी डिज़ायर्स जो पूरी नहीं हो सकी उनके लिए भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। ऐसी विश, ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं हो सकी, क्या कह रहे हैं, आई विश आई हैड मेट यू अर्लियर, आई हैड मेट यू अर्लियर। सपोज मैं ही आपको कह रही हूँ आई विश आई हैड मेट यू अर्लियर, कि मैं थोड़ा जल्दी तुम्हें मिल जाती तो मैं तुम्हें ग्रामर पहले से बता देती, ठीक है। तो आई विश, विश जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना काश, तो ये आई विश इसी सेंस में यूज़ होता है कि काश कि हम पहले मिल गए होते, आई विश काश कि मैं पहले तुमसे मिल चुकी होती। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, आई विश आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम। अब कोई बच्चा अपने टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं करके आया है तो वो परेशान हो रहा है, वो क्या कहेगा, क्या कहता है वो, आई विश काश आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम, कि काश कि मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया होता। अब अगर वो पछता भी रहा है तो भी क्या हो सकता है, उससे कुछ नहीं हो सकता है ना, ये विश तो अनफुलफिल्ड है ना, कि पूरी तो हो ही नहीं सकती अब क्योंकि ख़त्म हो चुकी है बात। तो ऐसी सिचुएशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। लेट्स मूव फर्दर। टू एक्सप्रेस दोज कंडीशंस ऑफ द पास्ट दैट वर इम्पॉसिबल टू फुलफिल, ऐसी कंडीशंस जिन्हें फुलफिल करना ही इम्पॉसिबल था उनके लिए हम इस टेंस का यूज़ करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस में ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, हम कंडीशनल्स के ऊपर भी बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी इस बात को समझिए तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कंडीशनल में अगर इफ़ यू आप इस टेंस का यूज़ किस तरह करते हैं, इफ़ यू हैड क्वेश्चन हिम अर्लियर थिंग्स वुड हैव इम्प्रूव्ड। सपोज कोई बच्चा बात नहीं सुन रहा है पेरेंट्स की, तो उसको आके उसके दादाजी क्या कह रहे हैं उसके पेरेंट्स को, कि इफ़ यू हैड क्वेश्चन हिम अर्लियर, हैड क्वेश्चन्ड हिम अर्लियर, अगर तुमने उससे पहले सवाल जवाब किया होता, पहले बात पूछी होती, थिंग्स वुड हैव इम्प्रूव्ड, तो थिंग्स इम्प्रूव हो चुकी होती, कि भाई पहले तो तुमने उसे सवाल जवाब किया नहीं, कुछ पूछा नहीं, तो अब वो बिगड़ गया। ऐसी सिचुएशन में मतलब यहाँ पर क्या है, सिर्फ हम बात कर रहे हैं, हम सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, उसको पूरा नहीं कर सकते, किसी भी तरह से ठीक नहीं कर सकते, बस हम बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता। तो जहाँ पर हमें कंडीशन रखनी है वहाँ पर हम लगाएंगे हैड क्वेश्चन्ड, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, और जहाँ पर हमें उसका जो रिजल्ट हुआ वो शो करना है वहाँ पर हम लगाएंगे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड के साथ हैव और प्लस में थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, इफ शी हैड अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट शी वुड हैव गॉट द जॉब, कि अगर वो इंटेलिजेंट है, वो अच्छा कोई कैंडिडेट है जिसकी भी बात हो रही है, कि अब शी हैड अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए अगर उसने अप्लाई किया होता तो शी वुड हैव गॉट दिस जॉब, तो उसे ये जॉब मिल चुकी होती। अब यहाँ पर क्या है, हैड अप्लाइड, उसने अप्लाई ही नहीं किया तभी उसको जॉब नहीं मिली, अगर उसने अप्लाई किया होता, हैड अप्लाइड जहाँ पर हमने कंडीशन रखी, अगर किया होता वहाँ पर हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाई, यहाँ पर
और जहाँ पर हमने उसका रिजल्ट शो किया कि भाई क्यों नहीं हुआ, वहाँ पर हमने लगाया वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो इन दिस वे वी यूज दिस टेंस इन कंडीशनल सेंटेंसेस. लेट्स मूव फर्दर. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका होता है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर यहाँ पर सिंस फॉर, और उसके साथ एनीथिंग कैन अपीयर. अब यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट के साथ हमने, जब हमने कहा प्रेजेंट, जब हमने कहा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो परफेक्ट शो करता है परफेक्शन की काम हो चुका, और कॉन्टिन्यूस शो करता है कि काम अभी कॉन्टिन्यू है. तो वो परफेक्शन जो हमारी शो करनी है वो हैड प्लस बीन शो कर रहा है परफेक्शन को, और जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी है वो इंडिकेट कर रहा है कि कॉन्टिन्यूएशन है. तो इस तरह की सिचुएशन क्या है कि मतलब वो एक पर्टिकुलर टाइम पे शुरू हुआ और अभी तक वो किसी पर्टिकुलर टाइम तक चल रहा था, इस तरह का एक्शन है. हमने हैड प्लस बीन लगाया और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगाया. और सिंस और फॉर का यूज़ यहाँ पर आपके प्रेजेंट टेंस की तरह ही होता है टाइम इंडिकेट करने के लिए. एग्जांपल देखिए, दीक्षिता हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स. अब यहाँ पर हमें हैड बीन स्टडिंग, हैड परफेक्शन शो करने के लिए, बीन स्टडिंग कॉन्टिन्यूटी शो करने के लिए कि वो इतने समय से पढ़ रही है. कब? मतलब 3 आवर्स. 3 आवर्स पहले उसने पढ़ना शुरू किया था और एक पर्टिकुलर टाइम तक, जब तक कि मैंने उसे देखा तब तक की बात हो रही है, तब तक भी वो पढ़ रही थी. ऐसी सिचुएशन में हमने लगाया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. लेट्स मूव फर्दर. हर ब्रदर हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस ट्यूजडे. अब यहां पर क्या है, हर ब्रदर हैड बीन सफरिंग, किसी की भी बात हो रही है कि उसका ब्रदर जो है हैड बीन सफरिंग, वो सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसे बुखार था. कब से? सिंस ट्यूजडे. ट्यूजडे से उसे बुखार था. तो ऐसी सिचुएशन में हमने यूज़ किया हैड बीन सफरिंग, यानी ट्यूजडे को वो बुखार शुरू हुआ और जिस भी दिन वो बात हो रही है उस दिन तक भी उसे बुखार कंटिन्यू था. तो हमने यहाँ पर इस टेंस का यूज़ किया. और इस सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ हैड लगाया, नॉट लगाया, बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी उसके बाद में लगेगी. यानी जो हमारी फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब थी नॉट, हमें उसके तुरंत बाद लगाना है और बाकी सब उसके बाद आएगा. दीक्षिता हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स. यहाँ पर हमने नेगेटिव शो कर दिया कि दीक्षिता 3 घंटे से नहीं पढ़ रही थी, वो कुछ और कर रही थी. 3 घंटे से पढ़ नहीं रही थी, कुछ और ही कर रही थी. फॉर एग्जाम्पल, चैटिंग ही कर रही थी. हर ब्रदर हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस ट्यूजडे. झूठी खबर बता रहे हो तुम. उसका ब्रदर कहीं नहीं सफ़र कर रहा था 3 दिन से ट्यूजडे से, उसे बुखार नहीं था. यहाँ पर हम ये बात बता रहे हैं कि उसे बुखार नहीं था. हैड नॉट बीन सफरिंग, हैड, हैड के बाद नॉट लगाया, और बीन सफरिंग आफ्टर दैट. यहाँ पर भी हैड, हैड के बाद नॉट लगाया निगेशन शो करने के लिए, और बीन स्टडी आफ्टर दैट. इसी सेंटेंस को अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, हैड